अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें, जैसा कि आप सब जानते हैं, 6 सालों के खूबसूरत सफर के बाद ये है मोहब्बतें की कहानी खत्म होने जा रही है। सीरियल ये है मोहब्बतें ऑफ एयर होने जा रहा है और दोस्तों इन सबके बीच में शो की हुई है एक आखिरी पार्टी। जी हाँ, ये है मोहब्बतें को लेकर अनफॉरगेटेबल जर्नी ऑफ 6 glorious years सेलिब्रेशन पार्टी थ्रू आउट की गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें ये है मोहब्बतें के सेट पर ये आखिरी मस्ती हुई है। शो का लास्ट एपिसोड शूट हो चुका है, जहां रमन निशिता का दी एंड होगा या रमन निशिता की मिलन के साथ कहानी का हैप्पी एंड होगा नहीं पता, लेकिन फिलहाल आप लास्ट एपिसोड की शूटिंग के बाद सेट का ये नजारा देखिए, जहां जमकर जश्न में डूबे हुए ये मोहब्बतें के सितारे अपनी खूबसूरत यादों को साझा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप हीरो का वेलकम करना चाहूंगी। थैंक यू। जानना चाहूंगी कि ये मोहब्बतें खत्म होने वाली है, कैसे फील हुआ? इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं एंड या इट्स अ लिटिल सैड, बट आई थिंक बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके। एंड ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, बट आई विश द बेस्ट फॉर एवरी वन। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज एवरी वन इज़ डूइंग वेरी वेल, नो डाउट। मतलब इस शो से हर एक्टर को पहचान मिली है, हर इंसान को इतना लंबा काम मिला है, तो खुशी होती है। कोई भी शो बंद होता है तो इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 150 लोग एक शो में काम करते हैं, सबका खर्च उससे चलता है। पर ठीक है, एक अच्छा लंबा सफ़र रहा है और शो आज तक बहुत अच्छा करता आया है। खुशी इस बात की है कि हर इंसान को उसकी एक पहचान मिली है, और आई होप उसी पहचान के साथ हम और आगे अच्छा काम करें, यही दुआ करता हूँ सबके लिए। यही बोलूँगा कि ऑफकोर्स थोड़ा सा तो दुख है ही, जो सबको है, क्योंकि दुख इस बात का नहीं है कि शो बंद हो रहा है, क्योंकि हर शो को एक ना एक दिन बंद होना ही होता है। बट यार दुख ये है कि ये शो हम सबके दिल के बहुत करीब था, एंड 6 साल हो गए शो को, एंड मैं लिटरली बच्चा था जब मैं शो में आया था, वो थोड़ी 21 ईयर ओल्ड, एंड या मैं एक बच्चा था जब मैं शो में आया था। एंड ट्रस्ट मी, शो ने बहुत दिया है, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऑल थैंक्स टू ये है मोहब्बतें, बालाजी, एकता, संदीप, एंड ऑफकोर्स हमारा कास्ट। इतनी अच्छी फैमिली मिली, हम जितने भी, मतलब मैं 1-2 साल से शो में नहीं हूँ, बट स्टिल आई फील लाइक कि मैं अभी भी इन सब के साथ कनेक्टेड हूँ। एंड जितना दुख शायद इन सबको, उतना मुझे भी है। एंड आई होप कि जो नया शो आ रहा है उसको भी लोग इतना ही प्यार दें, ये है चाहते को भी, क्योंकि हमारा ही सीज़न 2 है वो एक किस्म से, एंड नए लोग हैं, तो आई होप कि उन सबको भी उतना ही प्यार दिया जाए। मुझे पता है कि ये है मोहब्बतें जितना प्यार नहीं मिल सकता, क्योंकि ये एक यूनिक शो था। आई थिंक ये एक बहुत ही यूनिक शो है, जो 11 बजे के स्लॉट पे बालाजी ने लाया था, एंड हम लोगों ने जो धूम मचाई हर स्लॉट पे, 11 से 7.30, 10:30, एंड हर टाइम स्लॉट पे वी वर बेस्ट। एंड आई थिंक ये लोगों का प्यार है, एंड वो इतने प्यार से हमें बाय बाय करें तो हमें अच्छा लगेगा। हम बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका रोज़ मिलना हम मिस करेंगे। सेट पे फैमिली के तरीके से हम सब रहते थे, हंसी मजाक, खाना पीना, हर चीज़ एक साथ होती थी, तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मिस करेंगे हम। सारे ही हैं एक्चुअली, हम गिन नहीं सकते, क्योंकि अगर आप सोचो तो 5-6 साल, अब इस आई थिंक देखो इसको भी 3 साल हो गए, 3.5 years, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम फीलिंग कि इतना टाइम हो गया, तो जिन्होंने 6 साल काम किया है, फॉर देम इट मस्ट बी लाइक, तो ये हर दिन ही कुछ ना कुछ यादें हैं, यादें कम नहीं हो सकती, बहुत सारी हैं। अपनी जो रूही है, मतलब जो पीहू है अब, जो रूही थी पहले, वो लिटरली मेरे गोद में होती थी, एंड आज वो मेरे यहाँ पहुँच रही है। सो इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू हार्ट, हम सब के बहुत करीब है ये शो, बहुत ज़्यादा करीब है। एंड सब अच्छा करें, ये अनुराग भाई, अवंतिका, सब जब यहाँ से निकलें तो सब एक अपनी बेटर फील्ड में ही जाएं, जो उनकी किस्मत में लिखा है सबसे अच्छा ही हो। एंड आई होप सब
सबके लिए, क्योंकि कोई छोटा मोटा कास्ट नहीं है, कुछ 50-60 कर चुके हैं रियलिटी टीवी की तरफ तो बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं। 50-60 लोग तो है हमारे यहाँ, उनको काम मिलना भी बहुत मुश्किल। एक बहुत बड़ा चेंजेस ये भी है, जब ये शो शुरू हुआ था तो उस वक्त मेरी जिंदगी में कोई आया था, और जब ये शो बंद हो रहा है, अब हम दोनों की शादी हो रही है और हमारे सारे फ्रेंड्स सभी भाई लोग मेरी शादी में पहुंचने वाले हैं, तो ये एक चेंजेस है। शादी सेलिब्रेट करने वाले हैं, अवंतिका भी, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, शादी ऑफ कोर्स आई विल गो रेडी, तो हम सब शादी पे जाने वाले हैं, धूम मचाने वाले हैं। नहीं होंगे, हमारे पास काम ही नहीं है। सून, या प्रीटी सून, यस, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हमें पता है कि हम जितने हम लोग दुखी हैं उतने ही वो भी दुखी होंगे, बट हर एक चीज़ यहीं ख़त्म नहीं होता है, हर चीज़ की एक नई शुरुआत होती है, एंड यहाँ नहीं तो कहीं और हम सबको वो लोग देखेंगे, एंड आई होप कि हमें उतना ही प्यार देंगे जितना देते आए अभी तक। थैंक यू सो मच एवरीवन, हम सबको इतना प्यार देने के लिए, हमारा टीम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, ख़त्म होने वाला नहीं है। मेरा मतलब ये है कि 6 साल में पता ही नहीं चले, और शो बेशक से बंद हो रहा है लेकिन हम लोगों की ये मोहब्बतें चलती रहेंगी, चलती रहेंगी बिल्कुल। और ये 6 साल कैसे गुजर गए अभी भी हमें यकीन नहीं आ रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही मिले थे, और जिस तरह से हम लोगों में बाउंडिंग हुई, प्यार हुआ, हमारी जो मोहब्बत बनी है, तो टाइम डजंट मैटर, अभी तो ये चलता ही रहेगा। और उम्मीद है कि जिस तरह से हमने इस शो में काम किया है साथ में, ऐसे ही और कई शोज़ में काम करेंगे, और कई प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, और शो के अलावा भी हम लोग ऐसे ही मिलते जुलते रहेंगे। बल्कि मैं तो स्टार प्लस और ख़ास तौर से एकता का शुक्रगुजार रहूँगा कि मेरी अपनी घर की फैमिली होने के बावजूद मुझे एक और फैमिली मिली, बिल्कुल, और बहुत प्यारी फैमिली मिली, और ये फैमिली भी मेरे साथ ज़िंदगी भर चलती रहेगी, हमारा प्यार बना रहेगा, और बस नहीं रियली जैसे एकता जी ने हम लोगों में विश्वास जताया, और जिस तरह से हमें इस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया, हैट्स ऑफ टू हर, और इसके लिए हम उम्र भर उनके शुक्रगुजार रहेंगे, और उनकी वजह से ही हम लोग इकट्ठे हुए, हम लोगों में इतने बाउंडिंग हुई, इतना प्यार हुआ, ये मोहब्बत बनी, तो उम्मीद है कि ऐसे ही उनका साथ हमारे साथ बना रहेगा, बालाजी के साथ हमारा साथ बना रहेगा, स्टार प्लस के साथ हमारा साथ बना रहेगा, ऐसे ही एक और शो आते रहेंगे, हम लोग साथ में काम करते रहेंगे। हम तो ईच एंड एवरी मोमेंट मिस करेंगे, पूरी कास्ट, पूरी कास्ट मिस करेंगे, रोज का मिलना, साथ में बैठ के खाना खाना, ये सब चीज़ें मिस होंगी, लेकिन ठीक है, दिस इज लाइफ। जैसे परिवार में एक सदस्य नहीं दिखाई देता तो हम लोगों को ये होता है कि कौन है, कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, तो सब फैमिली का कोई मेम्बर नहीं दिखाई दे, तो ऐसे ही हम लोग मिस करेंगे हर बच्चे को और फैमिली मेम्बर को, और हम तो यही दुआ करते हैं कि सब बच्चों का साथ बना रहे, सबका, जितने भी हमारे साथ काम कर रहे थे, आगे भी मिलते रहें, मोहब्बत बनी रहे, फ्रेंडशिप बनी। चांस की बात ये रही कि जब हमारा लीप हुआ शो का, और जो ये नई जनरेशन आई, ये भी सब बहुत प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे, मतलब आदर सत्कार, मतलब मान देना, और सबसे अच्छी बात ये कि शो को इन्होंने भी संभाला है, ये लोग सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जिस तरह से वो लोग हमें ट्रीट करते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि वो हमारे फैमिली के मेंबर नहीं है, नया हमारे, हाँ नया आया, हमें लगता है कि बहुत बचपन से ही हमारे हाथों में खेले बड़े हुए, और जिस तरह से वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम उनके प्यार को और उनके जो भी उनकी मूवमेंट्स थी डेफिनेटली मिस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि वो हम हमारे पास मिलते रहें, ऐसे ही उनके साथ हम लोग प्यार से हर मोमेंट शेयर करते रहें आगे भी। तो ऑडियंस को तो हम डेफिनेटली थैंक्स बोलेंगे, और जितना उन्होंने प्यार हमें दिया है हम कभी नहीं भुलाएंगे, और उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने इस शो को सराहा, प्यार दिया, कंटिन्यू देखते रहे, TRP आज भी हमारे शो की बहुत अच्छी चल रही है, नंबर 2 पे है, आगे आने वाले शोज़ के लिए भी उनका प्यार हमारे साथ बना रहेगा और देखते रहेंगे, उनका हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। मैं ऑडियंस को एक ही बात बोलूँगा कि आई नो कि आप लोग हमें, यानी कि YHM को मिस करेंगे, उतना ही मिस
हम भी आपको करेंगे, डेफिनेटली बहुत मिस करेंगे. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. बहुत बुरा लग रहा है. मैं तो 6 साल से ये काम कर रही हूँ. पल पल बनी मोहब्बतें ऐसा है और वो टूट रहा है दिल और बहुत दोस्ती हो गई है और ये मेरी जो मिश्री भल्ला है वो बहुत प्यारी है. हम सब बाकी भी अपने सहकर्मियों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि हमारी दोनों फैमिलीज अय्यर फैमिली भल्ला फैमिली एक फैमिली की तरह थे. हम लोगों ने खुशियाँ दुख तकलीफ सब कुछ एक साथ बांट करके ज़िंदगी को जिया है. इन करेक्टर्स को जिया है जो हमें दिए गए थे और साथ साथ हम एकता मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस रोल को निभा पाएंगे और उनकी सोच के मुताबिक निभा पाएंगे. और पर्सनली मैं नीना की ज़बरदस्त फ़ैन हूँ ये मैं कहने से भूलूँगी नहीं. मस्का लगा मैंने नहीं मस्का नहीं रियलिटी कह रही हूँ मैं. देखने वाले जानते हैं क्योंकि इसने उस करेक्टर को इतने अच्छे से जिया है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था इसको देखना और इसके सीन्स मुझे बहुत प्यारे लगते थे. और हमारी एक नई बात बताना चाहूँगी मैं कि हम लोगों की तो लड़ाई बहुत होती थी ठीक है, जिस लड़ाई को हमने प्यार की लड़ाई में बदल दिया तो आज हम दोनों में लड़ाई होगी ऑन सीन. यस. मगर सीन के ख़त्म होते ही हमने रियल लाइफ में हम लोगों में इतना प्यार है कि हम ये उम्मीद करेंगे कि अपने सह कलाकारों के साथ आगे भी मिलते रहें. और दर्शकों से भी ये एक निवेदन करना चाहूँगी कि जितना प्यार जितना जितनी मोहब्बत जितना अपनापन आपने हमें दिया है उतना ही चाहतों को दीजिएगा. हमारा आपसे ये सह निवेदन है. मुझे शुक्रिया अदा करना है स्टार प्लस का, बालाजी टेलीफिल्म्स का, एकता कपूर का और शोभा जी का और सारे जो है हमारे क्रिएटिव संदीप सिकंद की हेल्प के अंदर और प्रोडक्शन टीम हमारी जो डायरेक्शन टीम हमारे मेरे सारे सह कलाकार किस किस का नाम लूँ बड़ी टीम है. और मुझे इतना अच्छा रोल हमारे राइटर्स का मैं कैसे शुक्रिया करूँ. मैंने इतना काम किया है पिछले 40-45 साल से काम कर रही हूँ लेकिन मिसेस अय्यर जैसा रोल मुझे आज तक कोई सीरियल में नहीं मिला. ये रोल था बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रोल. इसने उसको प्ले भी बहुत बढ़िया. लेकिन ऐसा रोल मिलता है तब जाके ऐसी उम्मीद बढ़ती है और ऐसा करने का भी एक हमें एक ऊर्जा आती है अंदर से. अंदर से उसको ना फील कर बहुत अच्छा लिखा गया शो था और बहुत क्लासी शो था और लोगों के हमेशा याद रहेगा क्योंकि शो था. मैं नहीं बोलूँगी मैं शो है बोलूँगी. आप कभी भी जाके देख सकते हैं स्टार प्लस पे. हाँ ऑनलाइन देख सकते हैं. तो ये है चाहते हैं जो हमारे बाद आने वाला जो स्पिन ऑफ है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको टीम को और ऑडियंस को क्योंकि जितना जितनी मोहब्बत हमसे की उतनी चाहत उनसे भी करना. नहीं हमारे वो अलग स्टोरी अलग है ना. स्टोरी भी अलग है कैरेक्टर अलग है टीम ही अलग. ऐसे सारे हर रोज के पल है जो यहाँ पे आके बैठे. हाँ बहुत उतार चढ़ाव के ना हाँ. इस सीरियल में तो उसको हम शब्दों में नहीं बांध हाँ, पाएंगे. हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है. नहीं और ऐसे हर रोज हम शूट करते थे कोई ना कोई एक चीज ऐसी निकल आती थी जो हमें हमेशा याद रहती थी. हाँ. तो वो बहुत सारी यादें हैं तो किसी एक को हम शब्दों में बयान कर भी नहीं पाएंगे. नहीं और बहुत सालों का है लेकिन सबके बर्थडेज करना हाँ, सबको विश करना कोई बीमार हो तो डॉक्टर बुलाना हाँ, उनकी देखभाल करना कोई किसी की कुछ तरक्की हो गई तो उसको जाके कॉन्ग्रेचुलेट करना हाँ, पर किसी का मन करे आज कुछ खाने का तो चलो आज यही मंगाते हैं हाँ, ये जो एक 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 एकता थी पूरी हमारी टीम के अंदर. देखो बहुत ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है उसी का नाम ले रही हूँ. हाँ बहुत बहुत एकता थी. सबसे ज़्यादा क्या मिस करने वाले हैं आप?
ग्रुप, सारा ग्रुप मिस करें, हर हमारे एक दूसरे का साथ सबसे ज्यादा मस्ती मजाक चलता था और काम करते वक्त बहुत ही सीरियस सब कुछ करता था, ऐसे झटके से हम सीन पार कर जाते थे क्योंकि सब अपनी लाइनें कभी कोई भूलता नहीं था, सब अपना होमवर्क करके आते थे। ये बहुत रेयरली नजर आता है कोई भी सीरियल में आते, वरना एक्टर वहाँ आके देखते हैं अभी क्या है सीन, ऐसा नहीं होता, सारे प्रिपेयर्ड आते थे लोग, और इसलिए अभी एंड तक आखिरी आपके आखिरी मोमेंट तक यह मोहब्बत है कि अगर आप कोई सीन देखें ना तो उस सीन में एक अलग हर सीन में उठाव उठाव है। ये है मोहब्बतें की ऑडियंस को हम दोनों की तरफ से ढेर सारा प्यार, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को बहुत प्यार दिया और उतना ही प्यार आगे वाले शो को भी देना, हमें अपनी याद में बनाए हाँ, रखिएगा और आने वाले शो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, नाइस टू मीट आप सबका भी, थैंक यू सो मच। मिक्स फीलिंग, जैसे हम सबको कह रहे हैं मिक्स फीलिंग है, खुशी हो रही है क्योंकि अभी सबसे मिलने का वापस से मौका मिला है, सब एक साथ गैदर्ड हुए हैं, और इमोशनल इसलिए हैं कि इवेंचुअली शो ख़त्म होने वाला है और 6 साल ज़िंदगी के सब साथ में रहे हैं यहाँ पे एक साथ, सब लोगों ने अच्छे बुरे खुशी गम सब शेयर किए, अपार्ट फ्रॉम द शो ऑल्सो सब लोग बहुत कनेक्टेड हैं, इसलिए लड़े झगड़े बहुत कुछ किया है यार, मतलब बहुत मिस करने वाली हूं मैं। फैमिली में रहते हैं ना सब, जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा होता है, तो हम झगड़े भी बहुत हैं इनसे, मैं बहुत झगड़ी हूँ, बट येस आई एम गोना मिस एवरीथिंग 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 एवरी वन। आई थिंक आई एम गोना मिस द मोस्ट ड्रामेटिक फैमिली। यस वी आर द ड्रामेटिक फैमिली। फैमिली में सब कुछ हुआ है, हॉरर हुआ है, कॉमेडी हुआ है, टू मेनी वेडिंग्स हुई हैं, एंड आई थिंक इट का भी पार्ट हुआ है। जोकर शी रिमेंबर्स एवरीथिंग। सारी मेमोरीज यार, पता है 6 साल का सफ़र इतना लंबा है कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स आए हैं जो हमेशा याद रहेंगे। अगर शो से रिलेटेड बात करें तो मैं जैसे सबको हमेशा बोलती हूँ, मेरे लिए स्पेशल मोमेंट था कि जब अनन्या का डेथ सीक्वेंस शूट किया था हमने, दैट वाज वेरी 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 स्पेशल टू मी, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड लव फ्रॉम द ऑडियंस, सो दैट इज रियली, एंड अनन्या इज हियर, कम, शी इज बैक टू मी। या आई मीन दैट टाइम शी वाज नेगेटिव, या बट पीपल दे लव्ड हर परफॉर्मेंस, दे लव शिरीन, आई मीन सिमी बुआ, राइट, आई रिमेंबर, यू रिमेंबर, आई थिंक सिमी बुआ मुझे डराती थी, but you still love मेरी हंसी निकलती थी, because I know Simi was not like that. And even मेरा और पीहू का cave sequence, you remember? Oh, yes. That was very nice. Oh my God, उसके लिए हम दोनों ने real cave में shoot किया था, which wasn't really and easy. And Shireen ने हनुमान चालीसा भी याद किया था. मैंने हनुमान चालीसा भी याद किया था. It was a challenge for her. अपनी ribs तोड़वाई थी, बहुत कुछ किया था, तो वो भी हम फंसे भी थे, वो हार्नेस भी यूज़ की थी, दैट इज एक्टर्स लाइफ नो, सबसे डर्टी, या आई मीन दैट्स समथिंग, बट यू एंजॉयड नो, या टोटली, इट केम आउट सो वेल, यस, मुझे हनुमान, इट वाज रियल फन, या ऑलमोस्ट, क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें याद हो गई तो रह गई हैं जिंदगी में, या काम आएंगी कहीं ना कहीं वापस, ऐसे पूछोगे ना तो फिर हम तो बोलते रहेंगे क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी भल्ला फैमिली, अय्यर फैमिली, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, आई एम गोना मिस एवरीबॉडी। यार एक बार ये शो ख़त्म हो जाए, अभी तो बाकी है, ऐसा लग रहा है सबको हो गया ख़त्म, लेकिन अभी और लास्ट का ड्रामा मसाला बाकी है, तो वो ख़त्म हो इंशाल्लाह, फिर सबके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, यही प्रेयर है। या आई प्रे लाइक सबको कुछ ना कुछ मिले और बहुत अच्छा मिले। दिल कहीं रुकता नहीं, इधर लंबा जाएगा, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए दैया, दिल कहीं सुनता नहीं, मैं सारी हवाओं में है, मैं नाल में है, तेरा और मेरा बसाना।
थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार करने के लिए, इतना 6 साल. यस, अभी ये चाहते को भी बहुत सारा प्यार. थैंक यू, आई लव यू. नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट.